आपने सुना सागर श्रीवास्तव ने क्या कहा, 50,000 का लहंगा दिलवाएगा, मेरा पति तो खुश हो जाए। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज तो है सोमवार, आज कॉलेज जाना है हमको। अब से तो रोज कॉलेज ही खुले है गाइस, छुट्टी बहुत मान ली है हमने, तो इसलिए रोज कॉलेज जाना पड़ेगा। और मेरी बहन अभी रेडी हो रही है, तो मैं भी रेडी रेडी होता हूँ, ब्रेकफास्ट करता हूँ, फिर निकलता है कॉलेज की तरफ। तो गाइस ये तो हो रही है यहाँ पे रेडी, और पता नहीं क्या क्या बोलने में लगी है मुझे, और ये अम्मा है। तो गाइस हो गया हूँ रेडी। रेडी जो क्या हुआ, वो जैकेट तो मैंने वही डाल दी है, नीचे से पैंट पहन ली है बस। तो अब चलते हैं रोड की तरफ, रोड में करते हैं बस का वेट। काला डूंगी पहुँच गया हूँ मैं, और मेरे साथ है विशाल। और मैं इसको देख के उतर गया हूँ। गाइस मेरे को देख के नहीं उतरा, इसको पैदल जाना था, इसलिए सीट नहीं हो रही थी गाड़ी में, तब उतरा है। थप्पड़ मारा साले मुंह में। जा रहे हैं हम कॉलेज को। और गाइस ये कितने दिनों बाद आ रहा है बता तो। कल शनिवार को नहीं आया था गाइस, और दिन लगातार आ रहा हूँ। मतलब मेरे को तो लग रहा है एक हफ्ते बाद आ रहा है, और एक अब छुट्टी भी तो थी ना। तो चलते हैं कॉलेज को। तो गाइस कॉलेज पहुंच गए हैं, हमारे क्लास में कोई आया नहीं है शायद, अभी क्लास के अंदर हो क्या पता। और पता नहीं यहाँ पे 3-4 मशीन आ रखी है नई ट्रेड की, लेकिन ये ट्रेड कभी खुला नहीं है अभी तक, और मशीन पहले से आ गई है यहाँ पे, दिखाता हूँ आपको, लेकिन पैक है पूरी। ये देखो गाइस मशीन आ रखी है यहाँ पे, पता नहीं कौन से ट्रेड की है, लेकिन पूरी पैक है। इसका ट्रेड पता नहीं कभी खुलेगा, जब खुलेगा तभी देखेंगे कौन सी ट्रेड की है करके, पता तो चल नहीं रहा इसकी। जनरेटर है क्या? राणा जी भी आ गए यहाँ स्मार्ट बन के, अपने भालाल कटा के राणा जी तो आज कसम से स्मार्ट ही लग रहे हैं। बात तो सही है। ये भालाल कटा दिए, स्मार्ट बन गए, भाजी खुश हो जाएगी। क्या 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 गया, इसकी गर्लफ्रेंड का फोन आ गया और अकेले भाग गए बात करने के लिए। साले का खोपड़ी तोड़ साले। तो गाइस भट्टी से मिलाता हूँ आपको, जब से आईटीआई खुला है तब से इसका तीसरा दिन है आज, तब से तीसरे दिन है इसका आईटीआई में। और अभी आज ही आ रहा सर, इसको हाई कर रहे थे ऐसे करके। क्लास स्टार्ट हो गई और ये अभी तक क्रिकेट खेलने में लगे हैं। अबे पांडी चो सभी लोग यहीं पर ही घूमने में लगे हैं, धूप सेकने में लगे हैं। ला बॉल रोक दे। बॉल गई, जा बॉल लेगा छोटू। और यहाँ ये दोनों लड़ने लग गए, पहले मैं खेलूँगा करके। और फाइनली लड़ झगड़ के इनने अपनी बैटिंग पहले ले ली, अब देखते हैं ये कैसा खेलता है। कराना बैटिंग तेरी। ओ बाप रे, यहीं पर ही मार पाया लेकिन। वन टिप आउट हो गया गाइस, अच्छा नहीं खेला। सागर को बहुत चोट भी लग चुकी है बॉल से। चुप, बिल्कुल चुप। कैसा लगा? लगी गाइस, हल्के से लगी है गाइस। गेम खत्म हो चुका है, हम क्लास में जा रहे हैं, लेकिन इन लोगों का मन नहीं है। पीछे से ये आधे रास्ते से फिर रुक गया और वापस चले गया। बाय। मैं आने लग गए थे लेकिन यहाँ लड़ाई हो गई है, देखिए बहुत खतरनाक लड़ाई हो गई है। ओहो देखो देखो, आउट है पांडा, आउट है। कहाँ जा रहे थे? क्लास में जा रहे थे हम, लेकिन देखो इनका अलग ठीक है, इनका भी इनका भी खाली खड़ा हूँ। बड़े हरामी हो बेटा। आईटीआई की ऐसी जगह आ गई जो हमने आज तक कभी देखी नहीं थी। अरे मैया तू क्या देख लियो, ना चढ़ाए, ये हमने आज तक कभी देखी नहीं यहाँ पे। नई बाइक की पार्टी खाए भाई, ऐसे नहीं है यार अभी। बेटा मत दे जा यार पार्टी, जा मत दे यार। नई बाइक ले लिया गाइस ने और पार्टी नहीं दे रहा हमको। कौन है ये लोग?
कहां से आते हैं ये? मैं यहां पे ओ माय गॉड ओबे उसको पकड़ लो कैसे पीछे का भाग के आ गया गिर गया बेटे सर देखेंगे नहीं मैं चढ़ जा रही हूं ऐसा मार रहा था हाथ मार रहा था अबे घुटा देख लेना खड़े हो ये मत पकड़ वो पकड़ दो इधर पीछे की साइड देख लोहे का गाइस देखो बंदर आ गया हमारी आईटीआई में लगेगा लोहे का हां इसको पकड़ अबे सर तो बाहर कर वहां उसको रुपए ले यार हां इसको पकड़ लोहे वाले को पकड़ ये बाहर को ही आ जाएगा अबे तू कर अपने को देख ले लोहे वाला पकड़ पहले भाई मेरे और इतने लोग तमाशा देख रहे हैं इनका तमाशा नहीं देख रहे गाइस हम और बॉल मिल गई है गाइस अब नीचे कैसे आएगा गाइस पढ़ाई वढ़ाई तो हुई नहीं आज सब इतने भारी खेल रहे हैं दोस्त का और यहाँ पे वीडियो एडिटिंग कर रहा है हमारी फेयरवेल वाली अभी से गाइस इनने हमारी फेयरवेल की वीडियो एडिट कर ली है क्या लिख रहा है नाम किसका नाम लिख रहा है भाई गाइस 12 बज गए हैं और इनका अभी तक क्रिकेट चल रहा है यहाँ पे ये पता नहीं किससे बात कर रहा है और ये नाम लिखने में व्यस्त है पता नहीं किस किस का नाम लिख दिया इनने ए आभा पता नहीं क्या है ये हमारा भाई है ए ए और ये पता नहीं किसका लिख रहा है पता नहीं ए से कुछ भी हो सकता है शायद और ये खुश हो रही है अपना नाम देख के खुश हो रही है ए अच्छा ठीक है तो गाइस छुट्टी हो चुकी है और सब लोग जा रहे हैं घर को हम भी चल निकलते हैं घर को सारे लोग हैं यहाँ पे तो अब चलते हैं राणा जी तो पढ़ेंगे यहाँ 5 बजे तक जी ने 12th फेल देखी है 12th फेल देख ली इन्होंने और अब एसएससी बनने की तैयारी ये कर रहे हैं और बाकी गवर्नमेंट यहाँ बैठे हैं गवर्नमेंट सर्वेंट है वो और बाकी हमारा फ्यूचर डोनाल्ड ट्रंप से ब्राइट है तुम्हें कैसे पता चला तुम्हें कैसे पता चला और मेरा तो लो ही है ऐसा कुछ नहीं है मैं अपनी सारी लूंगी गाइस इसका सपना था कि मारवाड़ी की दुकान में ब्लॉग बनाए क्योंकि हमने 99 की सेल में क्रिएटिव ब्लॉग बनाया था तब इसका सपना था तो आज मैं इसका सपना पूरा कर रही हूँ ओह यार यार ये कितनी ऑसम है यार फाइनली हम जा रहे हैं शॉप में अब आपको दिखाते हैं आगे चलते निकलते हुए ये यहाँ के ओनर है और ये है इनकी फेमस साड़ियों की दुकान काला डूंगी की और दी हेलो हेलो कैसे हो बढ़िया ये यहाँ पे काम करती हैं दी और इनकी दुकान है तो हम आगे देखते हैं इतनी साड़ी खुलवा दिए गाइस इसने और कुछ ले रही है नहीं रही है बात करने में लगी है पता नहीं किससे ऐसा मत बोलो यार तो गाइस फाइनली एक साड़ी इसको पसंद आ गई है रेड कलर की और अपने के लिए नहीं ले रही है ताई के लिए ले रही है गिफ्ट गाइस इतना अमीर तो मुझे भी होना चाहिए था कि किसी के लोग किसी को भी गिफ्ट दे दूँ गाइस 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 अगर आपको यहाँ से कुछ सामान लेना हो मतलब कुछ भी लेना हो साड़ी लहंगा वहंगा कुछ भी सबसे अच्छी दुकान है काला डूंगी की है ना सागर है या नहीं है अगर किसी को लेना है लहंगा तो यहाँ पे ज़रूर आना शादी का लहंगा या किसी पार्टी वार्टी के लिए जो भी लेना हो अच्छा तो इनकी ऊपर जो सेकंड फ्लोर में दुकान है वो भी दिखा देते हैं कि अगर आपको कभी काला डूंगी आना हो तो यहाँ से ज़रूर आइए वैसे रामनगर से भी लोग आते हैं हल्द्वानी से भी आते हैं इन्होंने नया यहाँ पे कोट शेरवानी भी रखी है अगर किसी को लेनी हो सागर जी आप लेंगे अपनी शादी में यहाँ से बिल्कुल बिल्कुल ओके सागर मुझे भी दिलवाएगा यहाँ से साड़ी अपनी शादी में हाँ, 2000 से कम की नहीं होनी चाहिए अगर मैं YouTube में फेमस हो गया तब देख रहे हो गाइस हम बना रहे हैं यहाँ पे व्लॉग ये बहुत सारा सामान है शेरवानी रखी है काफ़ी सामान है पहले यहाँ पे गाउन वाउन रहता था लेकिन अब इन्होंने सारा जेंट्स का कर दिया यहाँ पे ऊपर वाला सेक्शन नीचे वाला सारा लेडीज़ का है लहंगा सागर मेरे को मेरी शादी में लहंगा दिलवाएगा नहीं नहीं ये वाला नहीं 20,000 से ऊपर का 50,000 तक का बना दूँ 50,000 दिलवा दूंगा गाइस अगर मैं YouTube में नहीं ये पता नहीं कब हो गया तो अगर मोनेटाइज हो गया या फिर मेरी सरकारी नौकरी लग गई तब असंभव असंभव प्राइवेट भी दिखाएगा 50,000 गौर से देखो इसको 50,000 50,000 भाई आपने सुना सागर श्रीवास्तव ने क्या कहा 50,000 का लहंगा दिलवाएगा मेरा पति तो खुश हो जाएगा कितनी अच्छी दोस्त बनाए इस दिन
तो गाइस ये साड़ी इनने सेलेक्ट कर ली है और अब हम चलते हैं घर की तरफ। घर आ गया हूँ मैं। आज हम दोनों साथ में पहुँचे घर को, ये स्कूल से और मैं कॉलेज से। तो गाइस रात हो गई है और इस व्लॉग को यहीं पर ही एंड करते हैं। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे आपसे। ये व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट। बाय बाय।